आईपीएल 2023 फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला होना है। इससे पहले इस सीजन 73 मैच खेले गए, इनमें कई शानदार मोमेंट्स देखे गए। शानदार बैटिंग, शानदार बॉलिंग, मैच के दौरान शानदार मोमेंट से लेकर मैच के पहले और बाद भी ढेर सारे यादगार लम्हे देखने को मिले। आकाश मधवाल और मोहित शर्मा के 5 विकेट वाले स्पेल, अजिंक्य रहाणे की बैटिंग, धोनी के छक्के, डेविड वॉर्नर का रविंद्र जडेजा जैसा बैट चलाना, शॉर्ट में बताएं तो फैंस की फुलटू मौज हुई है और इसका शोर लगातार सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको 5 ऐसे मोमेंट्स के बारे में बताया जाए जो क्रिकेट फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे। यशस्वी जायसवाल का शतक, इस लड़के के टैलेंट पर कभी किसी को शक नहीं रहा। 2020 में डेब्यू करने के बाद से ही यशस्वी ने कई कमाल की पारियां खेली हैं। हालांकि उनकी कंसिस्टेंसी और टेम्परमेंट पर सवाल खड़े किए जाते थे, इस साल यशस्वी ने इन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और वो भी शानदार तरीके से। जायसवाल ने 12 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 बॉल में 50 जड़ा, यह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज 50 था। इस पारी को 21 साल के इस लड़के ने कन्वर्ट कर शतक में तब्दील किया। अनकैप्ड प्लेयर्स में यशस्वी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। 14 मैच में राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर ने 625 रन ठोक दिए। कई दिग्गजों का दावा है कि यशस्वी टीम इंडिया के लिए तैयार है। माही का ऑटोग्राफ, धोनी धोनी, ये चैंट धोनी जब भी मैदान में होते हैं सुनाई देता रहा है। फैंस ने उनको सिर्फ चिपॉक में नहीं पूरे देश में सपोर्ट किया, पर जब एक दिग्गज खुद आपका ऑटोग्राफ ले ले तब लम्हा कितना खास बन जाता है। सुनील गावस्कर क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक है। 14 मई को चेन्नई के मैच के बाद सुनील कमेंट्री से मैदान में उतर आए और उन्होंने धोनी से उनकी शर्ट पर साइन करने की मांग की। माही मना करने वालों में से नहीं है। ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके बाद गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा था, जब मुझे पता चला चेन्नई सुपर किंग्स धोनी को एक स्पेशल लैप ऑफ ऑनर देने वाली है, मैंने सोचा इस लम्हे को यादगार बनाया जाए, इसलिए मैं दौड़कर गया और मैंने उनका ऑटोग्राफ मांग लिया। ये चिपॉक में उनका लास्ट मैच है। अब गावस्कर की बात सही है या नहीं इसके बारे में तो धोनी ही बताएंगे, पर ये मोमेंट यादगार था इस पर कोई सवाल नहीं है। विराट नवीन गंभीर, दिल्ली के लड़के लड़ गए। 1 मई को इकाना स्टेडियम में मैच के बाद विराट कोहली, नवीन उल हक और गौतम गंभीर में बहस छिड़ गई। इससे जुड़े न जाने कितने मीम्स बने, वायरल हुए। नवीन ने तो आम की फोटो लगाकर कुछ संकेत दिए। लखनऊ जब प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई तब मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स ने इनको ट्रोल भी किया। देखकर ऐसा लगता है कि ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। विराट तो विराट ठहरे, ये लड़का भी पीछे हटने वाला नहीं लगता। यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब अगले सीजन ये लड़ाई इंस्टाग्राम पर चलती है या मैदान पर, ये तो वक्त ही बताएगा। शुभमन गिल, गिल का कौन सा लम्हा चुना जाए, ये एक बड़ा सवाल था। पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो ओवर जिसमें उन्होंने आकाश मधवाल के एक ओवर में 3 छक्के जड़े, वो अलग ही था। वो पारी अलग थी, उस पारी को खेलने वाला बल्लेबाज अलग था। क्या ऐसा कहना गलत होगा कि इंडियन क्रिकेट को उसका अगला सुपरस्टार मिल गया है? विराट की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ शतक जड़ने के बाद से शुभमन अलग ही लय में नजर आए हैं। उनके आधे पंच शॉट्स भी बाउंड्री के पार गिर रहे हैं। इस लड़के ने फाइनल से पहले 4 मैच में 3 शतक जड़ ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया है। रोहित शर्मा जो चाहते हैं पूरा देश वही चाहता है, इस फॉर्म को बरकरार रखना शुभमन। रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने तो पूरे टूर्नामेंट में ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया। वही माही जैसा क्रेज किसी का नहीं रहा, पर एक लड़का है जो मोमेंट्स की लिस्ट में सब पर हावी है। नाम है रिंकू सिंह। पिछले साल की चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस के सामने कोलकाता की टीम थी। शाहरुख खान की टीम लगभग हार चुकी थी, उनके फैंस ग्राउंड छोड़ जाने लगे थे। टीवी देखने वाले या तो चैनल बदल रहे थे या टीवी ही बंद कर दे रहे थे। आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे, क्रीज पर उमेश यादव थे, पहली बॉल पर सिंगल यानी 5 बॉल में 28 रन चाहिए थे। यहां से शुरू हुआ ऑनस्लॉट। यश दयाल और क्रिकेट फैंस जिन्होंने इसके बाद की 5 बॉल्स को लाइव देखा होगा कभी नहीं भूलेंगे। एक के बाद एक छक्का, 1-2 खराब बॉल जरूर मिली, पर सिर्फ रिंकू की बैटिंग ने सबका दिल लिया। ऐसी शानदार कुटाई किसी भी आईपीएल मैच के आखिरी ओवर में नहीं देखी गई थी, आगे भी शायद ही देखी जाए। और ये इकलौता मैच नहीं था जिसमें रिंकू ने शानदार बैटिंग की। 14 पारी में इस लड़के ने 450 जड़े, 474 रन बनाते हुए उनका औसत 59 का रहा। यानी कोलकाता को उनका अगला फिनिशर मिल गया है। जो काम आंद्रे रसल को करना था अब रिंकू सिंह कर रहे हैं। क्या टीम इंडिया को भी उसका नंबर 6 मिल गया है?
इनके अलावा भी कुछ लम्हे ऐसे थे जो फैंस के लिए खास रहे। अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू और उनका पहला विकेट, लखनऊ सुपर जायंट्स की आखिरी बॉल पर जीत, राशिद खान की हैट्रिक और ऋषभ पंत का मैच के दौरान आना, ये सब देख फैंस का दिल खुश हुआ। अब बारी आपकी, आपके हिसाब से आईपीएल 2023 का बेस्ट मोमेंट कौन सा था, कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, ये पूरी स्क्रिप्टिंग आपके लिए की है पुनीत ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।